नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के पंचांग के बारे में हम जानेंगे विस्तृत जानकारी, संपूर्ण जानकारी। आज का शुभ अशुभ समय, दिशा, शूल और राहु और अग्निवास, सभी प्रकार की जानकारी हम जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। आज है 21 सितंबर शनिवार 2019। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें, और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पंचांग की जानकारी। आज है 21 सितंबर शनिवार 2019। आज के पंचांग के बारे में हम बात करते हैं। सूर्योदय एवं चंद्रोदय, सूर्योदय 6:09 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:20 PM पर होगा। चंद्रोदय शाम को 11:04 PM पर होगा और चंद्रास्त 12:18 PM पर होगा। बात कर लेते हैं पंचांग की। तो तिथि कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि 8:21 PM तक रहेगी, उसके पश्चात अष्टमी तिथि लगेगी। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र 11:23 AM तक रहेगा, उसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र लगेगा। योग की बात कर लेते हैं तो योग सिद्धि योग 9:58 PM तक है, उसके पश्चात वितिपात योग बनेगा। कर्ण की बात करें तो विष्टिकरण 8:21 AM तक है, उसके पश्चात बव 8:21 PM तक रहेगा, उसके पश्चात बालव करण बनेगा। वार की बात करें तो आज है शनिवार और आज शनि देव का वार है, तो शनि भगवान की उपासना करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। चंद्रमास एवं संवत की बात करें तो लूनर मास रहेगा अश्विन पूर्णिमा भाद्रपद अमांत। संवत शक संवत 1941 विकारी, विक्रम संवत 2076 परिधावी, गुजराती संवत 2075 साधारण। राशि तथा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। सूर्य राशि कन्या राशि में रहेगा, सूर्य राशि जो है कन्या राशि रहेगी, सूर्य नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रहेगा। चंद्र राशि वृषभ राशि 11:40 PM तक, उसके पश्चात मिथुन का चंद्रमा होगा। नक्षत्र पद की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र चौथे पद पर, उसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र चारों पद पर विराजमान रहेगा। बात कर लेते हैं ऋतु तथायन की। तो दृग ऋतु शरद ऋतु, दृगयन दक्षिणायन, वैदिक ऋतु भी शरद ऋतु रहेगी और वैदिकयन दक्षिणायन रहेगा। दिनमान की बात करें तो 12:10 और 53 सेकंड्स का दिन होगा और रात्रि 11:49 36 सेकंड की रात्रि होगी। मध्याह्न की बात करें तो 12:14 PM पर मध्याह्न का समय होगा। बात कर लेते हैं आज के शुभ समय के बारे में। तो अभिजीत मुहूर्त, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 AM से 12:38 PM तक, और अमृतकाल 8:02 AM से 9:43 AM तक, 2:50 AM से सितंबर 22 से 4:28 AM सितंबर 22 तक रहेगा। तो अमृतकाल का शुभ समय है, कोई भी कार्य करेंगे तो वो काम जरूर सफल होगा। साथ ही में बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और शुभ समय और कुछ और शुभ योग बन रहे हैं। द्विपुष्कर योग 11:21 AM से 8:21 PM तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 6:09 AM से 11:23 AM तक रहेगा। इस सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी कार्य करते हैं वो सभी प्रकार से सिद्ध होते हैं, इस प्रकार का ये योग कहलाता है। अमृत सिद्धि योग में कोई भी द्रव्य अगर हम खरीदते हैं तो अमृत सिद्धि योग के कारण वो द्रव्य जरूर सफल होता है। 6:09 AM से 11:23 AM तक रवि योग, 6:09 AM से 11:23 AM तक रवि योग बनेगा। उसके पश्चात बात कर लेते हैं विजय मुहूर्त की। तो विजय मुहूर्त जो है 2:16 PM से 3:05 PM तक, और गोधूली मुहूर्त 6:07 PM से 6:31 PM तक, सायान संध्या 6:20 PM से 7:30 बजे तक, निशिता मुहूर्त 11:51 PM से 12:38 AM सितंबर 22 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:35 AM सितंबर 22 से 5:22 AM सितंबर 22 तक, प्रातः संध्या 4:58 AM से सितंबर 22 से 6:09 AM सितंबर 22 तक प्रातः संध्या रहेगी। आज के शुभ समय के बारे में बात करते हैं तो राहु काल 9:11 AM से 10:43 AM तक, और गुलिक काल 6:09 AM से 7:40 AM तक गुलिक काल रहेगा। यमगंड की बात करें तो 11:45 PM से 3:17 PM तक रहेगा। दुर्मुहूर्त 6:09 AM से 6:57 AM तक रहेगा, और 6:57 AM से
7:46 AM तक रहेगा। वर्ज्य की बात करें तो 5:04 PM से 6:42 PM तक रहेगा। भद्रा तिथि 6:09 AM से 8:21 AM तक रहेगी। तो आज का ये अशुभ समय हो गया। आनंद आदि एवं तमिल योग की बात करें तो श्रीवत्स 11:23 AM तक ये वज्र योग है। तमिल योग की बात करें तो सिद्ध 11:23 AM तक मरण योग बनेगा। निवास और शूल की बात करें तो मावती गुरु दिशा शूल पूर्व, नक्षत्र शूल पश्चिम 11:23 AM तक, राहु वास पूर्व में रहेगा, अग्निवास पाताल में 8:21 PM तक रहेगा, उसके पश्चात पृथ्वी पे, भद्रावास स्वर्ग 8:21 AM तक और चंद्रवास दक्षिण 11:40 PM तक, उसके पश्चात पश्चिम से 11:40 PM से पूर्ण रात्रि तक रहेगा। चंद्रबल की बात कर ले तो निम्न राशि के लिए उत्तम चंद्रबल होगा वृषभ कर्क सिंह वृश्चिक धनु मीन, इन राशि के लिए चंद्रबल उत्तम होगा, साथ ही ताराबल भी उत्तम होगा। दैनिक व्रत और उपवास और त्यौहार की बात कर लेते हैं तो इसमें सप्तमी तिथि का श्राद्ध है, साथ ही कालाष्टमी भी इस दिन पड़ने वाली है और महालक्ष्मी का व्रत पूर्ण व्रत इस दिन पड़ेगा और साथ ही में रोहिणी व्रत भी रहेगा। तो इस प्रकार के आज के दैनिक उपवास और व्रत त्यौहार रहेंगे। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक अभी कर दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को अभी शेयर कर दें और साथ ही में हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।